हेलो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्मार्टफोन के कुछ बैड इम्पैक्ट्स के बारे में बताऊंगा, यानी कि जो हमारा स्मार्टफोन है उससे हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है, उन सब चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। हम सभी जानते हैं कि स्मार्टफोन हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है। आज हमें हर छोटे से छोटे काम करने के लिए स्मार्टफोन और इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना, लिमिट को अगर आप क्रॉस करते हैं तो ऐसे में ये आपके लिए काफ़ी डेंजरस हो सकता है और आपके हेल्थ पर एक बहुत बुरा इम्पैक्ट भी क्रिएट कर सकता है। अगर आप एक स्मार्टफोन यूज़र है, स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका ये सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे फ्यूचर में आने वाले कई सारे प्रॉब्लम से आप पहले ही अवेयर रहेंगे और सेफ भी। और अगर किसी कारण ऐसी प्रॉब्लम्स आ भी जाती हैं तो उन्हें कैसे हैंडल करना है, ये सब कुछ आपको पहले से ही पता होगा, क्योंकि आज हम ना केवल प्रॉब्लम्स के बारे में बताएंगे बल्कि उनके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और उन लोगों के लिए तो बहुत ही यूज़फुल है जो स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। तो वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, दिस इज अर्षि चौधरी एंड वेलकम टू ज्ञान रीच। नंबर 1, हार्मफुल रेडिएशन। दोस्तों, ये जो हमारा स्मार्टफोन होता है वो कई सारी रेडिएशन को इमिट करता है, जो कि हमारे हेल्थ पर एक बहुत ही बैड इम्पैक्ट क्रिएट करती है। कई सारे रिसर्चर्स का ये मानना है कि ये रेडिएशन ब्रेन पर भी इम्पैक्ट करती है और इससे कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। दरअसल जो हमारा फ़ोन होता है उसे हमेशा हम अपने पास में रखते हैं, उसे पॉकेट के अंदर रखकर कैरी करते हैं, या फिर जब इस्तेमाल करते हैं तो उसे अपने फेस के या फिर बॉडी के बहुत पास लाकर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होता। जब हम रात को सोते भी हैं तो अपने फ़ोन को टेबल पर या फिर अपने बॉडी के बहुत पास रखकर सो जाते हैं, और उससे जो रेडिएशन है वो लगातार इमिट होती रहती है और हमारी बॉडी पे पड़ती है, जिससे कि हमारी हेल्थ पर एक बहुत ही बुरा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। तो इससे बचने का एक सिंपल तरीका है कि जब भी आप अपने फ़ोन को कैरी करें तो उसे किसी पर्स में या फिर बैग में कैरी करना पॉकेट के कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर आप फ़ोन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे जितना हो सके उतना दूर रखकर इस्तेमाल करें। अगर रात को सोते हैं तो उस फ़ोन को अगर ज़रूरत नहीं है तो उसे किसी दूसरे रूम में या फिर अपने से थोड़ा दूर रखकर अगर आप सोते हैं तो ऐसे में भी ये हेल्पफुल रहेगा और आपके हेल्थ पर कम इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। जो मोबाइल टावर्स होते हैं उनसे भी कंटिन्यूसली रेडिएशन इमिट होती रहती है और ये भी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो वैसी जगहों पर जहाँ पर ज़्यादा टावर है वहाँ जाने से आप बचेंगे तो ये भी काफ़ी अच्छा रहेगा। नंबर 2, बॉडी पेन। दोस्तों, जो लोग ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करते हैं उनके बॉडी में अक्सर पेन रहता है। कुछ लोगों को नेक में पेन जैसी प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि जब भी वो फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो उनका नेक जो है वो फ़ोन की स्क्रीन की तरफ टिल्ट रहता है, यानी झुका हुआ रहता है, और लंबे समय तक ऐसा करने से उनके नेक में प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब भी आप फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर कोई मूवी देख रहे हैं या फिर लंबे समय तक अगर आपको गेम खेलना है, तो ऐसे में आप लेट कर फ़ोन को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वैसे में जो हमारा नेक होता है वो सीधा रहता है, हमारा बॉडी का जो पोजीशन होता है वो सही रहता है, मेंटेन में रहता है, जिस कारण से हमें नेक में प्रॉब्लम नहीं होती है। या फिर अगर आप बैठ के भी फ़ोन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने बॉडी को सीधा रखें, नेक को सीधा रखें और फिर फ़ोन को इस्तेमाल करें, तो ऐसे में जो नेक की प्रॉब्लम है वो आपको नहीं आएगी। कुछ लोगों को हैंड में प्रॉब्लम हो जाती है या फिर फिंगर्स में भी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो लंबे समय तक फ़ोन में कुछ टाइप करते रहते हैं या फिर फ़ोन को यूज़ करते रहते हैं। इनफैक्ट उनके पूरे बॉडी में ही पेन होता है, क्योंकि जो लोग ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करते हैं वो फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम करते हैं। आजकल तो लोग फ़ोन के अंदर ही गेम खेलना पसंद करते हैं, ऐसे में फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी कम हो जाती है, जिस कारण हमारे बॉडी के अंदर से स्वेट नहीं निकल पाता, और जितना कम स्वेट निकलेगा उतना ही हमें और बीमारियाँ भी होंगी। तो बेसिकली आप अपने फ़ोन को जितना कम हो सके उतना यूज़ करेंगे तो ये आपके हेल्थ के लिए भी बेटर रहेगा, और जितना फिजिकल वर्कआउट आप करेंगे, फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, तो ये भी आपको बीमारियों से काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करेगा और आपके बॉडी के अंदर पेन भी नहीं होगा, क्योंकि आपका बॉडी जो है वो फ्लेक्सिबल बन जाएगा। नंबर 3, स्लीपिंग कंसर्न। दोस्तों, जो लोग ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करते हैं उनमें ये प्रॉब्लम भी काफ़ी कॉमन हो गई है। वो लोग सही से सो नहीं पाते या फिर अपनी नींद को सही तरीके से पूरा नहीं कर पाते। ऐसा होता है मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन से निकलने वाले कुछ रेज की वजह से। जब अपने फ़ोन को यूज़ करते हैं तो उसके अंदर से ब्लू रेज निकलती है, जो कि हमारी आँखों के अंदर जाती है, और उस कारण ही हम सो नहीं पाते हैं, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो टाइम के हिसाब से वर्क करता है।
कब उसे सोना है, कब उसे जागना है, ये सब कुछ उसे पता होता है और उस हिसाब से वो बॉडी को कमांड करता है। जब हम देर रात तक फोन को यूज करते हैं तो उसके अंदर से कुछ ब्लू रेज निकलती है, वो रेज हमारे आंखों के अंदर जाती है जिस कारण से ये प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो दोस्तों, इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, जब भी आप सोने जा रहे हैं उससे एक घंटे पहले तक आपको कोई भी स्मार्टफोन या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है उनका इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करने की बजाय म्यूजिक सुन सकते हैं, वॉक कर सकते हैं या फिर आप कुछ भी करें लेकिन स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करें। लेकिन फिर भी अगर किसी कारण से आपको देर रात तक फोन यूज करना पड़ रहा है तो ऐसे में फोन के अंदर डार्क मोड होता है, आप सिंपली उस डार्क मोड को इनेबल कर सकते हैं। जिस ऐप्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जैसे कि YouTube या फिर Play Store, तो उन ऐप्स के अंदर भी डार्क मोड का फीचर होता है, तो आप सिंपली उन्हें इनेबल कर लेंगे। अगर किसी कारण से इस्तेमाल कर ही रहे हैं तो आप यहाँ पर ब्लू लेंसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक तरीके का चश्मा होता है जिसके अंदर कोई पावर नहीं होती, बस एक लेंस लगा हुआ रहता है। ये लेंस फोन के अंदर से निकलने वाले जंक लाइट यानी ब्लू रेज को कैंसल आउट करता है और आंखों के अंदर नहीं जाने देता, जिसकी वजह से आपकी आंखें भी कम डैमेज होगी और आप अच्छे से सो भी पाएंगे। उसके अलावा फोन के अंदर रीडर मोड, नाइट मोड, उसके अलावा आई कम्फर्ट नाम के कुछ ऑप्शंस होते हैं। अगर आप इन्हें भी इनेबल कर लेते हैं तो ये क्या करते हैं, उस ब्लू लाइट को वार्म लाइट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके कारण आपके आंखों पे कम जोर पड़ता है और आप अच्छे से सो पाएंगे। तो बेटर है कि आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। नंबर 4, ब्रेन इशूज। दोस्तों, जो लोग ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करते हैं उनके ब्रेन में भी कई सारी इश्यूज आ जाती है। उसके अलावा याददाश्त कमज़ोर होना, इरिटेशन जैसी समस्याएं आज तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। जो लोग ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करते हैं वो बार बार इरिटेट हो जाते हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है। उसके अलावा ये दूसरों के कंपेरेटिवली थोड़े स्लो होते हैं, यानी कि अगर आप इन्हें कोई काम देते हैं तो ये बाकी लोगों के कंपेरेटिवली थोड़ा स्लो वर्क करते हैं। ये उतने ज़्यादा क्रिएटिव भी नहीं हो पाते क्योंकि ये ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इनके ब्रेन पे काफ़ी ज़्यादा इशूज़ होते हैं। तो ऐसे में अगर आप बहुत ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी ये ब्रेन पे काफ़ी ज़्यादा बैड इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। तो डेफिनेटली आपको फ़ोन को कम से कम यूज़ करना चाहिए ताकि आप इन सब प्रॉब्लम से थोड़े दूर रहें। नंबर 5, एडिक्शन। दोस्तों, जैसे लोगों को नशे की लत लग जाती है, आजकल के लोगों को स्मार्टफोन्स की लत लग गई है। ऐसे लोग बिना एक दिन फ़ोन यूज़ किए रह ही नहीं पाते। ये सब कुछ होता है डोपामिन की वजह से। ये एक तरीके का हार्मोन है, एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि हमारे ब्रेन के अंदर रिलीज होता है। दोस्तों, अगर आपका कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है या फिर आपको कुछ खाने का मन कर रहा है तो ये सब कुछ डोपामिन की वजह से ही होता है, यानी कि ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि इच्छाएं प्रकट करता है। अगर आपकी कोई फेवरेट चीज़ है या फिर कोई काम करने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है तो ये सब कुछ भी डोपामिन के रिलीज होने के कारण ही होता है। बेसिकली इसे फील गुड हार्मोन भी बोल सकते हैं। जब हम कोई काम करते हैं और उस काम से हमें खुशी मिलती है तो ऐसे में ये हार्मोन रिलीज होता है और इस हार्मोन को रिलीज होने के कारण ही हम उस काम को बार बार करने पर मजबूर हो जाते हैं। जब हम फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर कुछ करते हैं तो ऐसे में हमें इंटरेस्ट आता है और हमें खुशी मिलती है और ये हार्मोन रिलीज होता है और हमें बार बार स्मार्टफोन इस्तेमाल करने का मन करता है। और जब हम इस चीज़ को बहुत बार करते रहते हैं तो हम उससे एडिक्टेड हो जाते हैं और वो हमारी एक लत बन जाती है। तो ऐसे में आपको इस लत को छोड़ना भी बहुत ज़रूरी है। ये एक दिन में नहीं हो सकता, इसके लिए आपको इसे टाइम देना पड़ेगा और धीरे धीरे आपको इससे बाहर निकलना पड़ेगा। इससे निकलने का एक बहुत सिंपल तरीका है कि आप जितने समय भी स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं आपको हर हफ्ते, हर वीक में उस टाइम को थोड़ा सा रिड्यूस करना है। अगर आप 5 घंटे इस्तेमाल करते हैं तो आपको हर हफ्ते 10 मिनट 15 मिनट उससे कम करते रहने हैं। तब कुछ समय बाद आपकी वो हैबिट कंट्रोल हो जाएगी और आप फ़ोन को कंट्रोल करेंगे, फ़ोन आपको कंट्रोल नहीं करेगा। तो इस चीज़ को कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। नंबर 6, फोबिया। दोस्तों, आजकल के लोगों में ये भी काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कुछ लोगों को हमेशा टेंशन रहता है कि कहीं उनका फ़ोन चोरी ना हो जाए, कहीं खो ना जाए, वो अपने फ़ोन को कहीं भूल ना जाए या फिर उनका डेटा कहीं लॉस ना हो जाए। वो अपने फ़ोन से इतना ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं कि उन्हें इन सब चीज़ों पर डर लगने लगता है। तो ये भी एक तरह की बीमारी, एक फोबिया है। कुछ लोगों में ऐसी भी प्रॉब्लम देखने को मिली है कि उन्हें हर वक्त लगता है कि उनका फ़ोन वाइब्रेट कर रहा है या फिर उनके फ़ोन पे कोई कॉल आ रही है। असल में ऐसा नहीं होता लेकिन उन्हें लगता है। तो अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपका फ़ोन पे कॉल आ रही है और आप जब जाकर उसे देखते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो ऐसे में आप भी फ़ोन को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और ये भी एक तरीके की बीमारी, एक तरीके का फोबिया है। तो ये थे स्मार्टफोन के कुछ मेजर बैड इम्पैक्ट। तो इतना सब कुछ जानने के बाद हमें ये समझ में आता है कि अगर हम स्मार्टफोन को एक लिमिट में इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे लिए यूज़फुल रहेगा, लेकिन इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना हमारे हेल्थ पर एक बहुत बुरा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है।
तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँच सके, और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट्स के लिए ज्ञान रिच के साथ बने रहें।